नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। एक पनीर टिक्की कर देना। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। आज हमारा सेकंड ब्लॉग है। आज मैं जा रहा हूँ जलंधर। जलंधर जाने से पहले मैं एक जगह पे रुकूंगा, वहाँ बहुत अच्छा खाने के लिए मिलता है, मजा आ जाता है खा के। वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है जहाँ पर हम स्टे करते हैं, मतलब छोटी सी शॉप है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने के लिए चीजें मिलती है। इतनी अल्टीमेट है, इतनी फेमस है। मोस्टली जो लोग लुधियाना से होके जलंधर जाते हैं वो वहां पर स्टे करती है। साथ रिवर है, बहुत अच्छा व्यू लगता है। जलंधर में अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। 2008 से हम यूनिवर्सिटी में मिले थे। आज मन कर रहा था कि उसके पास चला जाऊं, थोड़ा सा फन करूं और उसके साथ बातें करूं। मैं वहां पर स्टे करूंगा, लवली यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक लॉ गेट है। वहां पर बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है। वहां पर इतने बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, 30,000 to 40,000 स्टूडेंट्स हैं। वहां पर इतनी रौनक होती है, इतना अच्छा लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल्स होती हैं फूड की, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टे करते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ खाते हैं, आपको दिखाता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। तो फाइनली मैं वहां पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ पर ना पकौड़ाज मिलते हैं, ये पंजाबी डिश होती है, स्नैक्स कह सकते हैं हम। पकौड़ाज होते हैं और दिखाता हूँ आपको कौन कौन से पकौड़ाज होते हैं, कितने हैं इनके पास। देखिए फ्रेंड्स, इनके पास कितनी वैरायटी पड़ी है। और अभी हम कुछ ऑर्डर करते हैं। भाई ऐसा करो, एक तो चीज़ी बॉल कर दो। हाँ, और क्या है कोई अच्छे से डिफरेंट से आइटम? एक पनीर पकौड़ा कर देना। और पनीर टिक्की है? एक पनीर टिक्की कर देना, बस मोर देन इनफ है। बस बस बस, अंदर बैठ के खाएंगे, ठीक है। अंदर से लोकेशन देखिए, इन्होंने कैसे हट की तरह बना रखा है इसको, और इन्होंने ये सीमेंटेड बनाया हुआ है सारा, ताकि बहुत लोग यहाँ पर बैठ के, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज आती हैं बहुत ज़्यादा, फ्रेंड्स आते हैं। आप इधर से देख सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन बनाई हुई है उन्होंने। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने लोग रुकते हैं, यहाँ पर खाते हैं, वो है इनकी सॉस। इनकी चटनी बहुत मस्त है। जो इनकी चटनी है वो तीखी भी है, मीठी भी है। वरना डिफरेंट सॉसेज आती हैं, एक रेड वाली जो मीठी होती है, ग्रीन वाली जो तीखी होती है। इनकी डार्क ब्राउन कलर की सॉस है और उसके अंदर छोटे छोटे चंक्स होते हैं, वी कैन से दैट प्याज के, है ना, अनियन के। और उसमें एक स्वीट फ्लेवर भी होता है और एक थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर भी होता है और स्पाइसी फ्लेवर भी होता है। आपको दिखाते हैं, आने दो टेस्ट करके, इतना मज़ा आता है खाने में। यू कैन सी, ये इनकी सॉस है, सॉस ब्राउन कलर की है, इसमें थोड़े थोड़े अनियन के चंक्स हैं। और ये इनका पनीर पकौड़ा है, पनीर पकौड़े में इन्होंने अपना मसाला भरा हुआ है, अपना इनका जो मसाला होता है। और ये है टिक्की, पनीर टिक्की, इसमें जो आलू है, है ना, और पनीर है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। और उसके बाद ये है इनकी चीज़ी बॉल, इसमें कॉर्न्स है और उसके बाद मोज़रेला चीज़ है। आपको टेस्ट करके बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा है। अभी सबसे पहले ट्राई करते हैं पनीर पकौड़ा। पनीर बहुत फ्रेश है, जो इनके अंदर मसाला पनीर के चंक्स के बीच है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। ब्लेंड बहुत अच्छा है इनका, और जो सॉस का टेस्ट है, अरे भाई रहने दो, क्या बात है, रहा नहीं जाता। जी करता है ना, इनकी सॉस में ज़्यादा टिप करूँ ताकि और मज़ा आए, और ज़्यादा मज़ा आए। अभी ट्राई करते हैं इनकी चीज़ी बॉल। यू कैन सी,
दैट इज कॉल्ड मोजरीला चीज़। इतना अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से जो लेयर है उसके ऊपर इन्होंने ब्रेड क्रम लगाए हुए हैं, जो ब्रेड क्रम लगाए उसकी वजह से बहुत क्रंची टेस्ट आ रहा है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है कॉर्न्स, साथ जब मोजरीला चीज़ का टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये टिक्की भी टेस्ट करते हैं, टिक्के का क्या सीन है। इन्होंने टिक्की को थोड़ा सा चपटा कर दिया है, ये उसका एक चंक है। अगर मैं ऊपर से बात करूं, जो पनीर पकौड़ा है, टिक्की है और उसके बाद चीज़ी बॉल है, उनका जो अपर क्रस्ट है वो सेम है, उसका टेस्ट सेम है। ओनली डिफरेंस इज़ इनसाइड, अंदर से जो डिफरेंस है वो मैटर करता है, उसी वजह से ये सारी चीज़ें डिफरेंट फील होती हैं। अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या। एक बार आपको लोकेशन बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कैंट पकौड़ा जंक्शन, और ये साथ जा रहा है, ये मेन जीटी रोड है, ये सीधा इधर को लुधियाना जाती है, लुधियाना से जलंधर जाऊँगा मैं। इधर हमारा संगरूर है, संगरूर के बाद पत्रा जाता है, पत्रा के बाद हम हरियाणा में एंटर हो जाते हैं। अगर दिल्ली को जाना है तो इधर को, अगर अमृतसर को जाना है तो इधर को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर शाम को तो टोटली फुल हो जाता है, टोटली फुल हो जाता है। एक्चुअली मुझे ऐसी लोकेशंस बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि पंजाब एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जहाँ पर पानी हो, थोड़ी सी हरियाली हो और अच्छी लोकेशन हो खाने के लिए, वहाँ पर खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई आज। आगे हम जलंधर की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मेरे पास चाय आ गई है कुल्लड़ में, इस ब्रांड का नाम है अपना चाय वाला। इनके पास 18 तरीके की चाय होती है, रोज टी, चॉकलेट टी, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, जो आपको चाहिए वही ये फ्लेवर बना देते हैं। इनके एक आउटलेट नहीं है, काफ़ी शहर्स में एटलीस्ट इनके अभी तक 6 to 7 आउटलेट हो चुके होंगे, अभी पता नहीं और कितने नए खोल रहे हैं। और इनके पास अभी इन्होंने फास्ट फूड का भी काम साथ शुरू किया है। पहले आपको मैं चाय पी के बताता हूँ कैसा टेस्ट है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ जल जो होता है, रोज़ वाटर पी रहे हैं और उसमें चाय का टेस्ट हो, और जो कुल्लड़ की खुशबू है ना, मिट्टी की खुशबू, वाह बहुत मज़ा दे रही है।
अभी मुझे चाय फिनिश करनी है क्योंकि मुंह में थोड़ा सा और ज़्यादा पानी आ रहा है। अरे वाह। सो दोस्तों, ये मेरा फ्रेंड है अमितेश्वर मिश्रा, वो है पीछे जयेश, वो थोड़ा शर्मा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके साथ, अजय जिम फ्रीक है और मैं इसके साथ जिम आया हूँ। एक्चुअली मैं अपने शहर में भी है ना रोज़ जिम लगाता हूँ, मतलब अभी से शुरू किया है, पहले वेट बहुत ज़्यादा था, अभी इसके साथ आया हूँ जिम में। कभी भी मिस नहीं करना, हाँ अनफॉर्चुनेटली एक बार हो जाए, दो बार हो जाए मंथ में, ठीक है, बट इसलिए आज मैं अपने दोस्त के साथ अभी जिम जा रहा हूँ, वहाँ पर जिम लगाऊंगा और उसके बाद कल आपसे बात करूंगा थोड़ा सा एक दो शॉट और दिखा के भी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वेट लूज करने के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए। चलिए अब मैं जिम जाता हूँ, मिलते हैं।